हेलो जी, चलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरफ। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास वो रिएक्टेंट होता है जो कि आपको देता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जिस पर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंडेंट हो वो रिएक्टेंट हमारे पास होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड कैसे करना है, आइए मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है एक सपोज्ड इक्वेशन, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? सबसे पहले आपने करना है इस इक्वेशन को बैलेंस। सपोज मैंने बैलेंस कर लिया, 2a आया और 4b आया हमारे पास, 3c और 1d, ये मेरे पास सपोज्ड इक्वेशन है जो कि बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है? नेक्स्ट आपने करना है फाइंड मोल्स। मोल्स किसके फाइंड करने हैं आपने? रिएक्टेंट्स के। जो भी रिएक्टेंट्स आपको दिए जाएं आपने उनके मोल फाइंड करने। अब मोल फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या दिया जा सकता है? वो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे सकता है, वो आपको मास दे सकता है, या आपको वॉल्यूम देगा किस पे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो इन तीन में से कोई चीज भी आपको दी हुई होगी। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हो तो उसको डिवाइड कर दें आप एवोगाड्रो नंबर से, अगर मास दिया हुआ है तो उसको डिवाइड कर दें मोलर मास से, और अगर आपको दिया हुआ है वॉल्यूम तो उसको डिवाइड कर दें आप किसके साथ? 22.414 डीएम क्यूब या लीटर से। आपके पास क्या आ जाएगा? हाँ जी, मोल आ जाएंगे आपके पास। हो गए मोल फाइंड किसके जी? रिएक्टेंट्स के। चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में आपने ये करना है कि रिएक्टेंट्स के मोल को, सपोज हमारे पास आए मोल ऑफ ए, उसको डिवाइड करना है उसी के कोफिशेंट के साथ। और इसी तरह हमारे पास जो भी मोल्स आएंगे बी के, उसको आपने डिवाइड करना है उसी के कोफिशेंट के साथ। ठीक है जी। सपोज करते हैं कि इसके मोल्स हैं 1, तो ये 1/2, इसके आ गए आपके पास 1, तो ये भी 1/4। तो जो भी आपको रिएक्टेंट सबसे कम वैल्यू देगा वो आपके पास होगा जी लिमिटिंग रिएक्टेंट। करना क्या है आपने, दोबारा देख लें, आपने सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करना है, फिर रिएक्टेंट्स के मोल फाइंड करने हैं, उसके बाद आपने मोल्स को डिवाइड कर देना है उसी के कोफिशेंट्स के साथ। ठीक है जी। तो जो आपको कम वैल्यू देगा वो आपका होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसी पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से और वाटर से रिएक्शन करके बना रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें आपको क्वांटिटीज दी हुई हैं 400 ग्राम SO2, 160 ग्राम ऑक्सीजन और 126 ग्राम दिया हुआ है वाटर। कहता है कि आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो फाइंड करना है। तो चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। पहला स्टेप क्या है? आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है। लिखते हैं SO2 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, वो आपको देगा सल्फ्यूरिक एसिड। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि इसके अंदर कोई रिपीटिंग एलिमेंट्स हैं, या आपने देखना होता है इसके अंदर मोस्ट कॉम्प्लेक्स फार्मूला कौन सा है। हाँ जी, तो हमारे पास मोस्ट कॉम्प्लेक्स फार्मूला भी है, लेकिन उससे पहले हमने ये देखना होता है कि कोई रिपीटिंग एलिमेंट्स तो नहीं है। तो ये देखें, ऑक्सीजन रिपीट हो रहा है, तो जिस तरफ रिपीट हो रहा हो वो साइड आपने सेलेक्ट नहीं करनी, दूसरी साइड पर जो भी फार्मूला उन रिपीटिंग एलिमेंट से बन रहा होगा आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, और इसको कंसीडर करना है आपने यूनिटी, यानी 1 कंसीडर करना है, इसको नहीं छेड़ना आपने। इसके लिहाज से आपने बाकियों को बैलेंस करना होता है। तो करते हैं बैलेंस। हाइड्रोजन इधर कितने हैं हमारे पास? 2। यहां पर देखें हाइड्रोजन 2, मतलब ये तो बैलेंस है। सल्फर कितने यहां पर? 1। यहां पर भी सल्फर 1। जो जो आपके पास बैलेंस होता जाए उसको सर्कल करते जाए, उसको टच नहीं करना आपने। ठीक है जी। अब रहेगी बात, करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहां पर है 4, यहां पर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। इन दोनों को तो छेड़ नहीं सकते, इसको फिर क्या कर देते हैं? हाफ कर देते हैं। यहां पे भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 और ये 2, इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस है।
लास्ट स्टेप पे क्या करते हैं कि जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में या फ्रैक्शन में चीज बन रही हो उसको हम रिजॉल्व करते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। तो यहां 2 आ रहा है तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इस 2 को खत्म किया जा सके। तो हमारे पास बन जाएगा 2s(2) प्लस, यहां पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। हम कर क्या रहे हैं, असल में पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां आ गया जी 2s(2), यहां पर सिर्फ o2, यहां पर 2H2O और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2H2SO4। तो हमारे पास इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई। हाँ जी, देखते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो चुकी है। चेक करते हैं हाइड्रोजन कितने इधर 2, 2, 4, यहां भी 4, ठीक है जी। सल्फर कितने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे S को तो 2 बन गए, यहां पर S 2। अब रह गया ऑक्सीजन, यहां पर कितने 2, 4, 8, इधर 2, 2 और यहां पर 4। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन हमारे पास अब बैलेंस इक्वेशन है। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मोल फाइंड करना। तो यहां पर देखिए आपको क्या चीज गिवन है, अमाउंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं है ना गिवन, क्या चीज गिवन है, मैस। तो मैस को किससे डिवाइड करना है आपने, मोलर मैस से। किस लिए, ताकि आपके पास मोल्स आ सके। तो यहां पर लिख लेते हैं कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं, मैस ओवर मोलर मैस। कितना मैस है इसका गिवन 400 डिवाइड किससे करेंगे, सल्फर के मोलर मैस के साथ। तो सल्फर का मोलर मैस कितना होता है SO2, सल्फर कितना है 32, ऑक्सीजन 32, कितना आ गया 64। तो 64 से इसको डिवाइड कर दें, कितना बनेगा आपके पास 6.25 हो गया जी। इस पे क्या दिया हुआ है 160, इसका मतलब है इस पे भी मैस ओवर मोलर मैस लगेगा। तो ऑक्सीजन है हमारे पास 160 ग्राम, ऑक्सीजन O2 कितना मोलर मैस बनेगा 32। तो डिवाइड करें जरा, क्या आंसर आपके पास आ रहा है 5। वाटर कितना दिया हुआ है 126 ग्राम, इसका मतलब इस पे भी मैस ओवर मोलर मैस लगेगा 126। डिवाइड किससे करेंगे जी, डिवाइड करेंगे मोलर मैस के साथ, मोलर मैस कितना होता है इसका 18, क्या आंसर आएगा 7। इसका मतलब है हमारे पास मोल भी फाइंड हो गए। थर्ड स्टेप में हम मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स को डिवाइड करते हैं उसी के कोफिशेंट के साथ, ठीक है जी। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं मोल्स को उसी के कोफिशेंट के साथ। इसका कितना कोफिशेंट है 2, 2 से डिवाइड कर दें, इसका 1, इसका कितना है 2, डिवाइड कर दिया, क्या आंसर आएगा यहां पर आपके पास 3.125। इसका आंसर कितना है 5, इसका आंसर कितना आएगा 3.5। इन तीनों में देखें सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन दे रहा है, कौन सा रिएक्टेंट दे रहा है, क्या हमारे पास SO2 सबसे लो वैल्यू दे रहा है, जी हां। तो हमारे पास SO2 होगा जी लिमिटिंग रिएक्टेंट। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं और इसमें फाइंड करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये एग्जांपल हमारे पास दी हुई है, इस एग्जांपल में अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है जी। करते हैं इसको बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है कि आपने पूरी इक्वेशन में या तो रिपीटिंग एलिमेंट देखना होता है या फिर क्या करना होता है आपने उसमें से मोस्ट कॉम्प्लेक्स फार्मूला उसको सिलेक्ट करना होता है। इस पे मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं इक्वेशन बैलेंसिंग पे, आप वो विजिट कर सकते हैं। क्या करना है आपने, यहां पर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स, इसको मुझे ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम 2 है, सल्फर 3 है और किसी फार्मूले में इतने एलिमेंट्स नहीं है, तो इसको आप 1 कंसिडर कर लें। कितने एल्यूमिनियम यहां पर 2, इधर कितने हैं 1, यहां पर 2 कर लें, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गए। जो चीज बैलेंस होती जाए उसको सर्कल करते जाएं, सर्कल कर दें इसको। सल्फर कितने हैं 3, यहां सल्फर कितने हैं 1, तो यहां पर 3 कर दें, हो गए जी सल्फर बैलेंस, हां जी हो गए। अब देखते हैं क्या चीज रहेगी यहां पर H2O, इधर देखें कितने हाइड्रोजन हैं 6, इधर कितने हाइड्रोजन हैं 3, 2, 6 और ऑक्सीजन कितने हैं यहां पर, ऑक्सीजन भी 6 ऑक्सीजन है और 12 हाइड्रोजन है आपके पास। तो इसका मतलब है यहां क्या कर दें 6 कर दें, 6 करने से ये इक्वेशन आपके पास
बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इक्वेशन बैलेंस हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है जी मोल फाइंड करना। तो मोल कैसे फाइंड करेंगे, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास मैस दिया हुआ है, उसका मतलब है कि मैस के लिए क्या अप्लाई करेंगे, मैस ओवर मोलर मैस। तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा इसका, क्या, मैस ओवर मोलर मैस। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे दोनों रिएक्टेंट्स के लिए। इसके लिए अप्लाई करते हैं, क्या मैस है जी, गिवन मैस क्या है 50 ओवर मोलर मैस एल्यूमिनियम का Al2S3। एल्यूमिनियम 27 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करें, सल्फर 32, 3 से मल्टीप्लाई करें, कितना बनेगा आपके पास, ये बनेगा जी 150। उसको 150 से डिवाइड कर दें, 150 से डिवाइड कर दिया। अब चलते हैं वाटर की तरफ, वाटर कितना गिवन है आपको 36, कितना होता है वाटर का मोलर मास 18, कितने मोल बनेंगे इसके 1/3, इसके कितने बनेंगे 2। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा कि हमने कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। जैसे यहां पर मैंने मोल्स ऑफ ए को इसके कोफिशिएंट से डिवाइड किया है, बी को इसके कोफिशिएंट से डिवाइड किया है, सेम इधर भी हम ऐसे ही करेंगे। Al2S3 के कितने कोफिशिएंट हैं, 1 से डिवाइड कर दिया, इसके कितने कोफिशिएंट हैं, क्या कोफिशिएंट है इसका 6 से डिवाइड कर दिया, इधर क्या बनाया 1/3, यहां क्या बना 1/3, तो दोनों के मोल सेम है, तो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा क्योंकि दोनों के मोल्स आपके पास सेम हैं। तो जब आपके पास सेम मोल आ जाएं तो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा आपके पास। हाँ, अगर यहां पर 18 होती क्वांटिटी आपके पास, सपोज यहां पर क्वांटिटी आपके पास 18 गिवन होती, इसको मैं 18 कर देता हूं, तो हमारे पास 18 होगा तो क्या आंसर आएगा इसका 1/6। तो 1/6 में ये 1/3, 1/6, तो कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, हाँ जी फिर आपके पास वाटर लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा क्योंकि वाटर आपको कम मोल्स दे रहा है। ठीक हो गया जी।